everyone. Assalamu alaikum. It's me, Umay Arbab. I am here to again this YouTube channel with a new video of English literature. So today I am going to discuss another John Donne poem, Woe and Catch of Falling Star. So without wasting a single minute, let's begin. सबसे पहले हम जॉन डन के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं. जॉन डन वॉज बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1572 इन लंदन एंड ही डाइड 31 मार्च 1631 इन लंदन. जॉन डन एक इंग्लिश पोएट, स्कॉलर, सोल्जर और लॉयर थे. उन्होंने अपनी हर बात को दलील देकर साबित किया है. एंड ही बॉर्न इन टू अ रिक्यूजेंट फैमिली हु लेटर बिकेम अ क्लर्क इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड. जॉन डन ने लव पोइम्स और स्पिरिचुअल पोइम्स लिखी और वो लव पोइम्स लिखते लिखते उन्होंने फिर होली सोनेट्स लिखना शुरू कर दी थी. मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम्स जॉन डन की उसमें आएंगी द फ्ली, द गुड मॉरो, डेट बी नॉट प्राउड, द सन राइजिंग, वैलिडिक्शन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द कैनोनाइजेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम्स ऑफ जॉन डन. सो गो एंड कैच ऑफ फॉलिंग स्टार का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं. गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार एक सॉन्ग है जिसे जॉन डन ने लिखा. ये एक थ्री स्टैंजा पोइम है जो कि डिवाइड किया गया, सेपरेट किया गया है इनटू सेट्स ऑफ नाइन लाइंस. थ्री स्टैंजा पोइम है जिसको नाइन लाइंस में सेपरेटली डिवाइड किया गया है हर स्टैंजा को. द लाइंस फॉलोज अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम, फॉलो करती है कंसिस्टेंट राइमिंग स्कीम को, कन्फर्मिंग द पैटर्न ऑफ A B A B C C D D D. The lines also stick to a syllable pattern that changes within a different set of rhyme. For example, the first four lines are the same. ये मैं आपको next poem में clearly समझा दूंगी. अब यहाँ पे example वो दे रहे हैं, उस जो poems है उसको next divide किया गया, further समझाया गया है. The first four lines are the same with seven syllables. The next two contains eight. Then there are two syllable lines. Finally, the stanza ends with a seven syllable lines. इस तरह इस poem के structure को develop किया गया है. Theme of the poem हम देख लेते हैं. The poem explores a traditional and misogynistic literary theme of Donne's era. Woman's romantic infidelity जो Donne के era में चल रही थी वही चीज़ उन्होंने इसको एक्सप्लोर किया है. वो कहते हैं वुमेन्स रोमांटिक इनफिडेलिटी, वुमेन्स की बेवफाई पे बेसिकली ये पोइम लिखी गई है और इसका मेन थीम ही उसकी इनफिडेलिटी, उसकी जो बेवफाई है वुमेन की, उस पे लिखा गया है. यूजिंग विविड इमेज ऑफ मैजिक एंड मिस्ट्री, बहुत सी कंसीट्स और मेटाफर्स को यूज़ करके, फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ करके जॉन डन ने इसको इस पोइम को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है. The speaker insists that a faithful woman is so hard to find that she might as well as be the stuff of legends. तो इस poem का जो main theme है वो women's की infidelity, women's की बेवफाई पे लिखा गया है. और जो speaker है, जो John Donne है, वो कहते हैं कि एक वफादार औरत का मिलना बहुत ही मुश्किल है, चाहे अब दिन रात भी घूम लेना इस दुनिया में, आप इतना घूमें, इतना सफ़र करें कि आप बूढ़े हो जाएं, लेकिन तब भी आपको एक वफादार औरत कहीं नहीं मिलेगी. सो मेन आइडिया ऑफ द पोइम भी यही है. गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार 1633, ये 1633 में इसको पब्लिश किया गया जॉन डन की डेथ के दो साल बाद. दिस पोइम एक्सप्लोर्स वुमेन्स प्रिजम्बली इन एविटेबली इनफिडेलिटी. यहाँ पर भी जो है ना वो वुमेन्स की इनफिडेलिटी का जो मेन आइडिया ही वो इस पोइम का यही है, वुमेन्स की इनफिडेलिटी, वुमेन्स की बेवफाई पर लिखा गया है. और ये जो वुमेन्स की बेवफाई पर शेक्सपियर ने भी अपने एक नावल हेमलेट में भी लिखा था, फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन. तो उनका भी यही मानना है और जॉन डन का भी यही मानना है कि वुमेन जो है वो बेवफा ही होती हैं. Next in the poem, the speaker claims that no matter where he looks in the world, his chances of finding a lady who will faithful to him are roughly to the same as the those of encountering the devil or the mermaid. तो जॉन डन कहते हैं, जो स्पीकर है वो ये कहते हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन आपको एक फेथफुल लेडी
बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और अब वो यहाँ पे कंसीड्स का यूज़ करते हैं, हाइपरबोलिक का यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि एक फेथफुल औरत का मिलना इतना ही मुश्किल है जितना कि ये पता लगाना कि डेविल के पाँव में छेद किसने किया, उसके पाँव में जो दरमियान से कटे हैं ना वो किसने काटे हैं, इतना ही मुश्किल है ये जानना। और वो कहते हैं कि मरमिट का सॉन्ग सुनना भी उतना ही मुश्किल है जितना कि एक फेथफुल लेडी का मिलना। मेन आइडिया ऑफ द पोइम ये है। टोन इसमें जो है वो जो बेसिकली जो पोइम है वो सॉन्ग लाइक है। इट्स टोन सजेस्ट लाइट एंड फ्रिवलस, इसकी जो टोन है वो फ्रिवलस और लाइट यूज़ की गई है। हाइपरबली का यूज़ किया गया है, हमने पहले ही बात की थी कि जॉन डन जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं वो फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, जिससे वो ये शो करते हैं अपनी विटी और नॉलेज को शो करते हैं कि उनमें कितनी नॉलेज है और वो किस तरह की चीज़ों को दो अनलाइकली थिंग्स को कंपैरिजन करके एक जो पोइम है और अपना मेन आइडिया है वो उसको बताते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ करके। वंस अगेन टेक सम थिंग्स डेट इज़ इम्पॉसिबल एंड कंपेयर टू हिज आइडिया डेट इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड एन ऑनेस्ट वूमेन। तो वो कंपेयर करते हैं कुछ चीज़ों को, कहते हैं कि जब इन चीज़ों का मिलना, इन चीज़ों का ढूंढना नामुमकिन है, तो इस तरह जो एक फेथफुल लेडी है उसका मिलना भी इतना ही मुश्किल है। तो यहाँ पे वो हाइपरबोली का यूज़ करते हैं और इस तरह अपना जो वो आइडिया है उसको दूसरों के सामने पेश करते हैं। तो चलिए पोइम को स्टार्ट करते हैं। ये पोइम बेसिकली जॉन डन ने तब लिखी थी जब वो जॉन डन को विरासत में काफ़ी सारी दौलत मिली और वो लंदन चले गए। लंदन में क्याम के दौरान वहाँ पर उनके बहुत सारे जो मुआशके थे और ज़ाती तौर पर जॉन डन को औरतों की बेवफाई का जो तजुर्बा हुआ, जिससे उनकी मुलाकातें होती थी और धोखा खाने के बाद सबसे पहले उन्होंने औरतों की बेवफाई पर ये लिखा और उन्हें ये यकीन हो गया कि औरत जो है वो सिर्फ बेवफा ही है, उनको उनकी वफा पे रत्ती भर भी यकीन नहीं था और वो औरतों की मतलून मजाजी, बेसबाती और बेवफाई से सख्त तंग थे। इस पोइम में भी जॉन डन बहुत सी मिसालें देकर ये साबित करना चाहते हैं कि तमाम मुमकिनात को, चीज़ों को अगर मुमकिन भी बना दिया जाए तब भी किसी बावफा औरत का मिलना नामुमकिन है। तो चलिए पोइम को स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और गिरते हुए तारे को पकड़ लो। गो विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, वो कहते हैं कि मैंड्रेक रूट से एक बच्चा पैदा करके दिखाओ। Tell me where all past years go, बताओ कि गुजरे हुए साल कहाँ गए। और who left the devil's foot, अच्छा चलो ये ही बता दो कि devil's के जो foot हैं उसमें चीर किसने किया, उसमें cleft किसने किया। Teach me to hear mermaid singing, मुझे mermaid singing जिसे सुन सकें वो तरीका ही सिखा दो कि जिससे मैं mermaids की जो song है उसको सुन सकूं। और to keep off envy stinging, या ये बता दो कि किस तरह बचा जा सके हसद की डंग से। And find, और तलाश करो। What wind, ऐसी कौन सी हवा है। Serves to advance an honest man, वो कौन सी हवा या वो कौन सा जादू है जो किसी ईमानदार शख्स की तरक्की में मददगार या फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो फर्स्ट टेंजा में जो जॉन डन है वो किसी शख्स को सात शर्तें पूरी करने को कहते हैं जो किसी भी पर्सन के लिए मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो वो कहते हैं पहली लाइन्स में वो कहते हैं जाओ और टूटे हुए तारे को पकड़ लो। इतने ही तुम हो तो एक मैंड्रेक रूट, ये मैंड्रेक रूट है जो बिल्कुल इंसानी शक्ल की तरह लगती है। अब जो बच्चा है वो मैन और वुमेन से पैदा होगा ना, तो यहाँ पे वो कहते हैं एक मेल से बच्चा पैदा करके दिखाओ। फिर वो कहते हैं ये बता दो कि तमाम गुजरे हुए साल कहाँ गए। अब जो साल आगे वाले जो दिन हैं वो तो हम देख सकते हैं, लेकिन पिछले हुए जो गुजर गए दिन हैं, अब हम कहते हैं कि हमारे बचपन वाले दिन बहुत अच्छे थे, काश वो दोबारा वापस आ जाए। अब वो कभी भी वापस नहीं आते, चाहे भी तो वापस उनको नहीं ला सकते। तो वो कहते हैं कि चलो बता दो वो पिछले गुजरे हुए साल कहाँ चले गए।
फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो यही बता दो कि जो डेविल है, ये डेविल इनके जो क्रिश्चियंस हैं बहुत से रिलीजन है उनमें ये यकीन है, कुछ कहते हैं कि जिन्नात के जो डेविल्स हैं उनके पांव उल्टे होते हैं, और कुछ का मानना है कि जो क्रिश्चियन है उनका मानना है कि डेविल्स के पांव में जो चीर है वो आया हुआ है। तो वो कहते हैं उसको चीरा किसने, उसके दरमियान में से पांव को किसने काटा। टीच मी टू हेयर मरमेड सिंगिंग, ये मरमेड्स हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ये बता दो, जल परियों का गाना ही मुझे सिखा दो कि किस तरह मैं सुन सकूँ। फिर वो कहते हैं कि हसद की डंग से कैसे बचा जा सके ये बता दो। और एंड पे वो कहते हैं अच्छा चलो ये ही बता दो कि किस वो कौन सा जादू है या कौन सी हवा है जो किसी ईमानदार शख्स की तरक्की में मददगार साबित हो सकती है। तो ऐसी 7 शर्तें वो रखते हैं, वो कहते हैं कि इन नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर सकते हो तो बताओ। सेकंड स्टैंजा में वो कहते हैं इफ़ द बेस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइड, अगर तुम में ऐसी खुदादाद सलाहियत मौजूद है थिंग्स इनविजिबल टू सी, कि तुम अजीबो गरीब और नापदीदा चीज़ों को देख सकते हो। दो यहाँ पे मतलब आएगा यू, ओल्ड इंग्लिश है तो यहाँ पे इसका मतलब आएगा यू। तो कहते हैं कि अगर तुम में ऐसी खुदादाद सलाहियत मौजूद है कि तुम अजीबो गरीब नज़ारे और नादीदा चीज़ों जो इनविजिबल चीज़ें हैं उनको देख सको, देन राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, वो कहते हैं सफ़र करो 10,000 दिन और रातें। अगर तुम इन चीज़ों को देख सकते हो ना जो इनविजिबल हैं, तो फिर 10,000 दिन और रातें सफ़र करो। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक बर्फ़ की तरह तुम्हारे जो बाल हैं वो सफ़ेद नहीं हो जाते। Thou, when thou returns, wilt tell me all strange wonders that befell thee, इन तमाम हैरत अंगेज चीज़ों के बारे में जिनसे दौरान सफ़र तुम्हारा वास्ता पड़ा, फिर तुम आकर मुझे बताना। And swear, और तुम कसम उठाओगे, nowhere, कहीं भी, lives a woman true and fair, तो तुम्हें एक ऐसी औरत वफादार औरत नहीं मिलेगी। तो कहते हैं अगर तुम में ऐसी खुदादाद सलाहियत मौजूद है कि तुम इनविजिबल चीज़ों को देख सकते हो, तो फिर 10,000 दिन और रातें भी सफ़र करो, तब तक सफ़र करो जब तक तुम्हारे बाल सफ़ेद नहीं हो जाते, फिर तुम आकर मुझे बताओगे और तुम मुझे कसम उठाकर कहोगे कि तुमने जितना भी सफ़र किया तुम्हें एक वफादार औरत नहीं मिली। थर्ड स्टैंजा में वो कहते हैं इफ़ thou finds one, let me know, अगर तुम एक औरत को तलाश कर लो, तुम्हें वो औरत मिल जाती है, let me know, आकर मुझे बताना। Such a pilgrimage was sweet, क्योंकि उसे देखने के लिए जाना मेरे लिए किसी खुशगवार ज़ियारत के लिए जाने से कम ना होगा, तो तुम आकर मुझे बताना। Yet do not, I would not go, फिर वो बदल जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। Thou at next door we might meet, हाँ वो मुझे साथ वाले घर के दरवाजे पर ही क्यों ना मिल जाए, मैं उसे मिलने नहीं जाऊंगा। Thou she were true when you met her, जब तुम उससे मिले तब शायद वो सच्ची हो, तब वो वफादार हो। And at last till your right टिल यू राइट योर लेटर, जब तक तुम उसे अपना ख़त लिखोगे, जब तुम उसे मोहब्बत नामा लिखोगे, तब तक येट शी, तब तक विल बी, वो हो जाएगी। फॉल्स एर आई कम टू और थ्री, तब तक वो 2-3 लड़कों को फंसा चुकी होगी। वो कहते हैं कि जब तुम एक औरत से मिल लो तो मुझे भी बताना, क्योंकि उसे देखना मेरे लिए किसी मुकद्दस ज़ियारत से कम ना होगा। लेकिन फिर जॉन डन अपनी बात से मुकर जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं उसे मिलने नहीं जाऊंगा, चाहे वो मुझे अगले नेक्स्ट डोर पर ही क्यों ना मिल जाए, मैं उसे मिलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तुम उससे मिले होगे वो तब शायद वफादार होगी, लेकिन जब तुम उसे मोहब्बत नामा लिखोगे तब तक वो एक दो और को फंसा चुकी होगी। सो पूरी पोइम के अंदर हमें ये नज़र आता है कि किस तरह जॉन डन औरतों से
जिनके साथ वो लंदन में उनके माशे थे, उन सब से धोखा खाने के बाद उनसे वो कितने तंग थे। और उस सिनेरियो में उन्होंने ये पोइम लिखी जो कि बहुत आउट क्लास पोइम है। जॉन डन ये ही बताना चाहते हैं कि जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं वो कभी भी किसी से सच्चा प्यार नहीं करती। वो कहते हैं इम्पॉसिबल है, एक तो खूबसूरत लड़की हो फिर वो वफादार भी हो, ये दोनों चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। हमेशा जो है ना वो खूबसूरत औरतें दूसरों को धोखा देती हैं और एक नए लवर को तलाश करती हैं। पोइट का यही मानना है कि अगर कोई लड़की ब्यूटीफुल है तो वो अपने प्रेमी को धोखा देगी और किसी और के साथ हो जाएगी। तो इस तरह जॉन डन ने बहुत से फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ करके अपनी जो बात है उसको पेश किया है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डू शेयर एंड लाइक माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।